अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप देख सकते हैं मेरे गले से सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं तो अब सर्दी आ गई है तो ये तो काम चलता रहेगा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। खैर, एनी वेज, अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए और बाहर हो रही है बारिश, इसलिए मैंने लॉन्ग जैकेट पहन ली है रेन वाली, ताकि मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ अपने आप को। सो एनी वेज गाइज, हम अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने हेलोवीन का स्टफ लेना है, तो ले लो अपना अपना पंपकिन। नहीं नहीं, वो नहीं मिलेगा बेटा। नो हुज़ैफ़ा, वो नहीं बेटा, इसमें से कुछ करो। नहीं नहीं, हमने कोई पार्टी थोड़ी करनी है बेटा। हुज़ैफ़ा, आपने जो लेना है पंपकिन, इसमें से ले लो। ओनली थ्री थ्री थिंग्स, ज्यादा नहीं। चलो पंपकिन ले लो। चलो रखो, चलो बस। ये नहीं, ये नहीं, आपने वन ले लिया है ना। आप वन ले, हुज़ैफ़ा वेट, वन लिया है। ओके, ये भी है हानिया, ये वाला ज्यादा अच्छा है। व्हाइट व्हाइट, नहीं नहीं वो निकाल दो, ये वाला ले लो। ये दोनों सेम। यहाँ पे है सारे हेलोवीन के स्टफ। यहाँ से देखो क्या लेना। मामा बताएंगे आपको क्या लेना है। नहीं नहीं, ये नहीं, बस यही है सारा हेलोवीन का, इसमें से ही आपको चूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, टू बिग है जी। क्या लेना आपने? स्पाइडर वेब। चलो रखो इसमें, पता नहीं बच्चे क्या क्या करते हैं। नो बेटा, ये नहीं, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। या पहन भी नहीं सकती हो बेटा, ये अच्छे नहीं लगेंगे आपको, क्या फायदा। चलो आपका स्टफ पूरा हो गया, चलो लेट्स गो। क्या ले रही हो हानिया अब आप? ओके, ये क्या है? लाइट्स ले लो, वन लाइट्स ले लो, लाइट्स भी अच्छी लगती है। ओके, ये नहीं इस तरह के लाइट्स लो, चलो खाने की भी थ्री थिंग्स होगी। चलो जी लेट्स गो। अब हुज़ैफ़ा आपको टॉयलेट आ रहा है? क्रिसमस भी आ रहा है। चलो मैं आपको, क्रिसमस भी आ रहा है, क्रिसमस अभी नहीं आ रहा, क्रिसमस आएगा आपकी बर्थडे। चलो लेट्स गो गाइस। डोनल से बच्चों ने प्राइस लिए, क्योंकि उन्हें केएफसी की प्राइस अच्छी नहीं लगती है, मोटी मोटी सी होती है। तो यहाँ से हमने हानिया के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की है, मिल्क शेक ऑर्डर किया है, बर्गर रैप ऑफ द डे केएफसी से, वो यहाँ का अच्छा है। तो हम हैलोवीन की थिंग्स लेके आए हैं, वो लाइट जहाँ के लिए ली थी, उसको स्विच करना पड़ता है। जी इसमें सेल डाल दूंगी मैं। आज नहीं कर सकते, वीकेंड पे, वीकेंड पे वीकेंड पे। मुज़ैफ़ा आपका आ गया है रैप, आप खाओ उसका रैप, खाओ खाने की आइसक्रीम आ रही है। मेरे फर्स्ट ट्राई। मामा का जिंगर बर्गर, वाओ, विंग्स, मुज़ैफ़ा विंग्स भी है बेटा। मैं तो उसमें भी करता।
सोनिया चिकन बना रही है और आज हमारा सालन जो है वो लेट हो गया क्योंकि आज बच्चों ने स्कूल से टाउन चले गए, तो बच्चों की कुछ फरमाइशें थी वो पूरी करनी थी। उसके बाद टाउन जाकर कहते हैं केएफसी और एक कहती है मैकडोनल्ड्स। अब आधी चीजें मैकडोनल्ड्स से ली है, आधी चीजें केएफसी से ली है। हानिया मैकडोनल्ड गई होगी, हानिया मैकडोनल्ड्स, हुज़ैफा केएफसी, हुज़ैफा ने अपना रोल खाया जो वो खाता है, और फिर हुज़ैफा ने आइसक्रीम ली, वो हुज़ैफा से नहीं खाएगी, वो भी मैंने खाई आधी। हानिया ने अपनी आइसक्रीम, अपनी फ्राइज वगैरह सब खा लिया। अब मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था और मिल्क शेक। अच्छा अपना लंच कर रही हो तुम? हाँ, अच्छा बर्गर और मिल्क शेक। अच्छा हुज़ैफा ने, अच्छा मैंने बच्चों का भी मतलब थोड़ा बहुत मुझे खाना पड़ा, सही है। उसके बाद ये विंग्स मेरे बर्गर के मील के साथ आए थे, ये बच गए थे तो ये मुझसे नहीं खाए गए। मैंने कहा चलो अब आप खा लेना। ये देखिए गाइस, ये गरीब आदमी के लिए दो विंग्स आए हैं बस, और ये बाकी सारे पेट पूजा करके बाहर से आए। और आज मजे की बात है कि डिनर जो है वो लेट हो जाएगा 100%, क्योंकि नहीं, वैसे मैंने पता क्या किया, कल दाल बनाई थी ना, तो मैंने दाल वाला आटा भी भून लिया। अब जिसको ज्यादा भूख लगेगी तो वो उसको मैं दाल वाली रोटी बना दूंगी। इसका मतलब तुम रात का डिनर अब नहीं कर रही? मैं तो करूंगी। तो सही। अच्छा पहले तुम फ्राई कर रही हो चिकन? मैं चिकन पहले फ्राई करती हूँ, अब उसके अंदर फ्राई करने के बाद सारे मसाले वगैरह मैंने ऐड कर दिए। और ये देखे मैंने सारा मटेरियल जो है ना शेक किया, शेक नहीं किया मतलब पेस्ट बनाई है उसकी, बनाई हो ताकि ग्रेवी ज्यादा बने। सोने दिखाओ सालन कहाँ तक पहुँचा। सालन अभी अंडर प्रोसेस है। वाओ, शक्ल तो निकल आई सालन की। दिल कर रहा है कि अभी शुरू कर दे खाना। आज मैंने ये सब कुछ चॉप नहीं किया है, पता है? मैं पहले चॉपर में चॉप करती हूँ ना, इस दफा मैंने जिसके साथ मिल्कशेक बनाते हो ना उसके अंदर किया। अच्छा वो बिल्कुल वो बना दी है, स्मूथी की तरह बना दिया था मैंने। टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक, तो अब उसको मैंने ऐड किया, तो इतना प्यारा मसाला और ये ग्रेवी बनी है ना, वाओ। मुझे लगता है रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे ही ग्रेवी बनाते हैं। जबरदस्त, ये बच्चों के लिए भी अच्छा है। बच्चों के माउथ में कोई चीज आए ना तो वो कहते हैं हमने नहीं खाना, ये उनके लिए बेस्ट है। अब इसके ऊपर कोरिएंडर गार्निश किया हो, मतलब जिंजर भी बारीक बारीक कटा हो। बड़े मजे आ रहे हैं आपको, मुंह में पानी आ रहा है। चलो जाओ, और वैसे भी जब भूखे के आगे सालन, आप वैसे ही भूखे रहते हो, मसाल क्या दे रहे हो भूखे के आगे जो आप हद हो गई है गाइस, ये चबले मारते रहेंगे और मैं हंसती रहूंगी। चलो अपना काम करो। आप जाओ यहाँ से, आप जाओगे तो मैं काम करूंगी, आप मुझे काम नहीं करने देते। ओके बाय गाइस, आज मैं थोड़ा सा टाइट फील कर रहा हूँ, इवन कि मैंने शावर भी लिया है, लेकिन शायद वेदर चेंज हो गया है और इस वजह से थोड़ा सा मैं लेज़ी हूँ। और विंटर में नॉर्मली क्या होता है कि रात जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि छोटी हो गई, क्योंकि सर्दियों में नींद बहुत मज़े की आती है और सुबह उठने को दिल नहीं करता, लेकिन उठना पड़ता है बच्चों के लिए और ख़ुद भी ऑफिस जाना होता है, तो रूटीन थोड़ी सी अपसेट हुई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अब आगे सर्दियां ही रहेंगी तो इंशाल्लाह यूज़ टू हो जाएंगे हम। और क्या कहते हैं, सोनिया की क्लास भी है, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले डिनर करते हैं ताकि फिर सोनिया जो अपनी क्लास ले, बच्चे सो जाए टाइम पे। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।